नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। क्या दिन निकल जाता है और आप बिस्तर पर पड़े सोते रह जाते हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप बहुत सारी बीमारियों को इनविटेशन भेज रहे हैं अपने पास आने का। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आपके कई समस्याओं का निवारण है। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एज इट अलाउज योर बॉडी साइकिल टू स्टे नॉर्मल। सुबह उठना बहुत अनिवार्य है। सुबह उठने वाला व्यक्ति अनेकानेक बीमारियों से दूर रहता है। गैस्ट्रिक और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनको बहुत कम होती हैं। आपने देखा होगा, अधिकतर हार्ट अटैक्स अर्ली मॉर्निंग होते हैं, उस समय पर जब आपको कायदे में बिस्तर छोड़ देना चाहिए, लेकिन आप बिस्तर पर पड़े रहते हैं और फिर लोग कहते हैं कि अरे अभी तो इनकी आयु ही क्या थी और चले गए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करें तो आप इन सब समस्याओं से दूर रह सकते हैं? ये समस्याएं तो आपकी दूर होंगी, साथ में अनेकानेक और तरीकों से भी ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आपके लिए लाभकारी होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करते हैं तो ये आपकी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाता है, और ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ करके कार्य करते हैं, याद करते हैं, पढ़ते हैं या जो भी उनका कार्य है वो करते हैं, उनके मेंटल एबिलिटीज देर से उठने वालों के कंपैरिजन में बेटर होती हैं। सुबह जल्दी उठना आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, आपके ब्रेन को और एक्टिवेट करता है। सुबह जल्दी उठना आपको हेल्दियर डाइट के लिए प्रेरित करता है। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सुबह जल्दी उठना आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है। सुबह उठने वाले व्यक्ति के साथ मेंटल इश्यूज कम होते हैं, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखता है और बेहतर करता है। सुबह उठने वाला व्यक्ति का दिन नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए वो बेहतर काम कर पाता है और नियमित रूप से योगाभ्यास भी कर पाता है। सुबह उठने वाले व्यक्ति को इंसोमनिया की समस्या कम होती है, यानी कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपका स्लीप साइकिल बेहतर रहता है और आपको गहरी नींद आती है। सुबह उठने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा होता है और उसको थोड़ा समय अपने साथ बिताने के लिए मिलता है। तो अगर आप अब तक देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो आज से आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जल्दी उठें कैसे, क्योंकि रात को हम बहुत देर तक काम करते हैं। ये एक आम प्रश्न हम आजकल सुनते हैं, आचार्य जी सुबह कैसे उठें, रात तक तो हम देर रात तक काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप 7 बजे के बाद या मैक्सिमम 9 बजे के बाद अपना फ़ोन मत यूज़ कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आप टाइम से सो भी जाएंगे और जल्दी उठ भी जाएंगे। दूसरी चीज़, वंदनीय गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं कि आप क्योंकि रात को जल्दी सोना चाहते हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी कैसे उठें, इसको उल्टा कर देते हैं। सुबह आप जल्दी उठिए तो अपने आप 2 से 3 दिन में आपको रात को जल्दी समय पर नींद आनी शुरू हो जाएगी और आपका साइकिल अपने पैटर्न पर आ जाएगा। आप अगर आपको फिर भी रात को नींद नहीं आती तो मैं यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप इस लिंक को देखिए कि कैसे आप रात को बेहतर नींद पा सकते हैं।